ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा, पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क से कपड़ा उद्योग क्षेत्र का विस्तार। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन और आकाशवाणी संवाददाता अम्बरीश सक्सेना। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क, ये भारत सरकार की योजना है। जैसा हम सभी जानते हैं, टेक्सटाइल के क्षेत्र में, कपड़े के क्षेत्र में भारत को और आगे ले जाने के लिए हमारा देश पहले से ही इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जिस तरह की प्रतिस्पर्धा है देश में और देश से बाहर, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में काफी काम करने की जरूरत है। सरकार ने जिस तरह की योजनाएं बनाई हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है जो कि इस सप्ताह ही सरकार ने ये घोषणा की कि 7 राज्यों में इस तरह के जो टेक्सटाइल पार्क्स हैं उनको बनाया जाएगा। तो पुनीत जी, मैं शुरुआत में आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को यह संक्षेप में जानकारी दें कि ये पूरी योजना क्या है टेक्सटाइल पार्क्स की। अम्बरीश जी, जैसा आपने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है और सबसे बड़ी इसकी अहमियत यह है कि इस सेक्टर में आज के दिन करीब 4.5 करोड़ लोग डायरेक्टली इम्प्लॉयड हैं और यदि हम एलाइड इंडस्ट्री के साथ गिने तो करीब 6 करोड़ से ज्यादा लोग इस सेक्टर में इम्प्लॉयड हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये करीब करीब सेकेंड लार्जेस्ट इम्प्लॉयमेंट सेक्टर है भारत के लिए, तो इसका बहुत अहमियत है। और साथ में ही करीब $45 बिलियन के हम एक्सपोर्ट हर साल कर रहे हैं टेक्सटाइल्स के, जो करीब करीब 11% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पूरा क्षेत्र है आर्थिक नीति से भी और सोशल नीति से भी, क्योंकि इम्प्लॉयमेंट है, उस प्रकार से भी भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस पूरे क्षेत्र को बहुत बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि काफी, देखिए आपने कहा प्रतिस्पर्धा है, बहुत कॉम्पिटिशन है ग्लोबल लेवल पर। हम चाइना से फेस करते हैं, हम वियतनाम से, बांग्लादेश से रिसेंटली कॉम्पिटिशन फेस कर रहे हैं। तो इसके कॉम्पिटेटिवनेस बढ़ाने के लिए, क्षेत्र की कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए सरकार ने यह स्कीम लॉन्च करी, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपरल, यानी जो टेक्सटाइल और एपरल यानी रेडीमेड कपड़े बनाने वाली कंपनियां हैं उनको एक ही जगह पर साथ में कई 100 यूनिट्स को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर साथ ही दिया जाए, क्योंकि कॉस्ट भी कम होगी और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो पूरा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए और कॉस्ट कम करने के लिए यह किया गया। इस पूरे स्कीम में जो मित्र स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट 4,500 करोड़ रुपए अपनी तरफ से लगा रही है। स्टेट गवर्नमेंट्स को उन्होंने कहा है कि ऐसे पार्क्स बनाने के लिए 1,000 एकड़ जमीन स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और यह पूरा प्रोजेक्ट प्राइवेट पार्टनरशिप में, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इम्प्लीमेंट होगा। एक कंपनी बनाकर, स्पेशल पर्पज व्हीकल बनाकर, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं इनके लिए ये सुविधाएं जुटा करके इकट्ठे उनको बना करके ग्रो करने की, मेरा अपना अनुमान ये है और गवर्नमेंट का अपना ऐसा अनुमान है कि इसमें करीब 70,000 करोड़ रुपए का नया निवेश होगा और 20 लाख से ज्यादा और रोजगार इसमें जुटाए जाएंगे। पुनीत जी, किस तरह की कंपनियां लगाने की योजना है? कंपनीज में जो विजन है वो है कि भारत में फाइबर, इनफैक्ट बहुत अच्छी आपने सवाल करा, 5F एक विजन है कि भारत में फाइबर, यानी जो हम कपास उगाते हैं, फार्म जहां पर किसान कॉटन उगाता है, फार्म से फाइबर यानी धागा बनाते हैं, फाइबर से फैब्रिक यानी कपड़ा बनाना, कपड़े से फैशन यानी रेडीमेड कपड़े हाई वैल्यू आइटम बनाना और वहां से फॉरेन एक्सपोर्ट। तो 5F एक स्ट्रेटेजी सरकार की विजन है और उसको उन सभी कंपनियों को, तो फार्म से लेकर यानी कपास से लेकर के फॉरेन एक्सपोर्ट यूनिट तक, ये पांचों जो प्रकार की कंपनीज हैं इनके लिए सुविधा खास तौर से बनाई जा रही है। जी, तो इसमें किस तरह का सरकार का विजन है, मतलब अगले कितने सालों में हमें इसका रियल फायदा दिखाई देने लगेगा? क्योंकि जिस तरह का प्रोजेक्ट है और जैसा आपने भी जानकारी दी कि पूरा पार्क को विकसित करने में, पूरा इन्वेस्टमेंट करने में और राज्य सरकारों का भी जो सहयोग चाहिए, वो तो कितने समय का विजन है सरकार का इसको एक्चुअली ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करने के लिए? पंपी जी, सरकार का जो विजन है ये पूरा 5 साल का एक विजन है। पिछले साल ये स्कीम लॉन्च की गई थी और अगले 5 वर्षों में ये जो मैंने बताया 4,500 करोड़ रुपए जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, इसके साथ जो प्राइवेट सेक्टर लगाएगा, 5 साल में ये विकसित किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो असर हम ग्राउंड पे देखना शुरू करेंगे वो अगले वर्ष से ही, क्योंकि 2022 से शुरू हुए हैं और ये प्रोजेक्ट अब लगने शुरू हो गए हैं। इसमें एक और बड़ी बात है, ये एक ऐसे पार्क होंगे जहां पर बहुत बड़ी स्केल की कंपनीज भी होंगी और जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है वो भी होंगी। आप ये जानते हैं कि जो रेडीमेड सेक्टर है वो मीडियम और स्मॉल स्केल में होता है और जो फैब्रिक और फाइबर बनाने का काम है ये बहुत बड़ी कंपनियां करती है। तो इन सभी कंपनियों को साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाना, मुझे लगता है ये यूनिक विजन है जो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है और मुझे लगता है कि 2 या 3 वर्षों में हम इसका सीधा असर देखेंगे एम्प्लॉयमेंट में भी और जीडीपी ग्रोथ में भी। जैसे 5F की आपने बात की, तो हम अगर फार्म से ही शुरू करें तो फार्म में अभी हमें कितनी और कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, क्योंकि जो हमारा रॉ मटेरियल है उसकी उपलब्धता सबसे पहले सुनिश्चित करनी होगी। तो उसकी जो उपलब्धता है रॉ मटेरियल की, उसको बढ़ाने के लिए सरकार की क्या योजना है, या उसके वो लेके हमें कुछ हद तक आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा?
अमरीश जी, जहां पर किसानों के हमारे बात आती है तो वहां पर हम दुनिया में सबसे बड़े हैं। कॉटन में भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और जूट में भी हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, तो वहां हमें कमी नहीं है, वहां पर हम डोमिनेट करते हैं दुनिया को। बल्कि दूसरे फाइबर जो है, वूल है, जैसे पॉलिएस्टर है, वहां भी हमारी बहुत बड़ी योग्यता है। लेकिन हम जब आगे बढ़ते हैं, एक तरफ तो हम दुनिया के सबसे बड़े फाइबर के प्रोड्यूसर हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर ग्लोबल ट्रेड देखें तो टेक्सटाइल का सिर्फ 4% ही भारत की उसमें हिस्सेदारी है। यानी वैल्यू एडिशन जब हम करने जाते हैं तो फार्म में हमारे किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहां प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, लेकिन उनको बेहतर कीमतों की जरूरत है। और बेहतर कीमतें तब मिलेंगी जब हम वैल्यू एडिशन कर पाएंगे, ऊंचे दाम के हम सामान बनाकर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो इंटीग्रेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फार्म से लेकर जो फॉरन एक्सपोर्ट करके बात कर रहे हैं गारमेंट्स की, उसकी वजह से किसानों को भी बहुत फायदा होगा, बेहतर कीमतें मिलेंगी अपने उत्पाद की, और जितना वैल्यू एडिशन है उसमें इंप्लॉयर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं, सभी को फायदा होगा। तो जो बेसिक लेवल पे, जैसे आपने कहा ना कि प्रोडक्शन जो है फार्म के लेवल पे या वूल के लेवल पे, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर हम यहाँ उस सारा मटेरियल को यूज करके और एंड प्रोडक्ट तक अप्रैल तक जाएं तो जो हमारा इम्पोर्ट अगर एग्जिस्टिंग है उसका कुछ उल्टा एडवर्स इफेक्ट आए उसके ऊपर? नहीं, देखिए इम्पोर्ट हम बहुत कम करते हैं। जैसे मैंने बताया कि हम करीब $45 बिलियन का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हैं टोटल, तो हमारे इम्पोर्ट जो है वो बहुत ही कम है और बहुत हाई वैल्यू, उसमें हमारा कोई नॉर्म जो आम इंडस्ट्रीज को अफेक्ट नहीं होता। लेकिन ग्लोबल लेवल पर प्रॉब्लम यह होती है कि हम देख रहे हैं कि कुछ छोटे देश है, जैसे बांग्लादेश है, वियतनाम है, उनका मार्केट शेयर बढ़ा है, वो हमसे कोई बड़े नहीं हो गए हैं, लेकिन उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं। उसमें कुछ ग्लोबल पॉलिसीज भी हैं, क्योंकि चाइना जैसे जैसे पीछे हट रहा है। खासतौर से देखिए, हमारे एक्सपोर्ट्स दो रीजन में ज्यादा है, अमेरिका और यूरोप, ये मिलाकर 60% ऑफ हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होते हैं। यूरोप में हम देख रहे हैं कि कुछ हद तक, हालांकि अमेरिका का मार्केट शेयर हमारा सेफ है, लेकिन हम देख रहे हैं कि यूरोप में बांग्लादेश, वियतनाम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और चाइना पीछे हट रहा है। हमारा शेयर कम नहीं हुआ है, लेकिन हमें और जरूरत आगे बढ़ने की। तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जैसा अभी आपने जिक्र किया, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे कदम हैं जो आपको लगता है? एक टेक्सटाइल पार्क तो ठीक है, एक बड़ी योजना हो गई, बट देन जिस तरह का कंपटीशन है, चाहे बांग्लादेश से हो या वियतनाम से हो, इनके मुकाबले हम और कैसे? क्योंकि बांग्लादेश को हमने देखा पिछले कुछ सालों में जिस तेजी से उन्होंने पूरा जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसका मार्केट को ग्रैब किया, तो वो कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ गए और हम जब उनके कॉम्पिटिशन में खड़े होंगे या उससे ज्यादा मार्केट शेयर करना चाहते हैं तो क्या और अतिरिक्त कदम हमें उठाने होंगे? अमरीश जी, दो इसके बहुत बड़े कारक हैं, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है इससे। एक तो कॉस्ट स्ट्रक्चर कम करना, सभी कीमतों को नीचे रखना, और दूसरा स्केल ऑफ ऑपरेशन। जब आप बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करते हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से भी कॉस्ट कम होती है, और जो हमारा सामान है उसकी लॉजिस्टिक्स फास्ट होनी चाहिए, हमारे पास एयरपोर्ट होने चाहिए एक्सपोर्ट करने, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और वही खास बात है, जो मित्र स्कीम जो सरकार ने लॉन्च करी है वो इन्हीं जो दो मुद्दे हैं, यानी कॉस्ट और स्केल ऑफ ऑपरेशन, इन दोनों मुद्दों को ही टारगेट कर रही है कि वो इंटीग्रेटेड कॉस्ट कम होती है और सब लोग साथ हैं तो वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी पुनीत जी। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहता हूँ कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, खासतौर से जब हम बात कर रहे हैं टेक्सटाइल की, तो अगर हम अलग अलग करके देखें कि टेक्सटाइल और जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, जो अप्रेल्स हैं, उनके बारे में, तो दोनों में किस तरह का तालमेल है और किस क्षेत्र में आपको लगता है कि हमारी योजना है आगे बढ़ने की? देखिए, मैंने बताया आपको कि $45 बिलियन के एक्सपोर्ट्स टेक्सटाइल्स के हमने करे हैं, लेकिन उसमें केवल $6 बिलियन, यानी करीब करीब केवल 15% ही रेडीमेड गारमेंट्स का, जो हाई वैल्यू आइटम है, उसका हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। और ज्यादातर एक्सपोर्ट्स हमारे या तो रॉ कॉटन है या फाइबर, यान जिसे हम कहते हैं, यान है, उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फैब्रिक को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जरूरत है कि हम वैल्यू एडेड, यानी जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं वो हम एक्सपोर्ट करें। डोमेस्टिक मार्केट में हमको रियलाइजेशन कम होती है, तो मुझे लगता है कि ये जो 15% का जो शेयर है रेडीमेड गारमेंट्स का, ये अगर बढ़े और 25-30-40% पहुंचे तो हमें बेहतर फायदा होगा। पुनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स हैं जो मित्र योजना है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को इतनी बहुमूल्य जानकारी देने के लिए धन्यवाद अमरीश जी। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा, पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क से कपड़ा उद्योग क्षेत्र का विस्तार। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक पुनीत जैन और आकाशवाणी संवाददाता अमरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।